My Schengen visa was rejected, but at least I can tell you my experience of the rejection process, or what mistakes I and what problems I VFS and embassy, that you don't have to go You can take some other route. So that is why I am sharing this with you guys, so that your experience might be a little better than what I had faced. So I am dividing this video into four sections. Number one is applying through. स्विस एम्बेसी मैंने सबसे पहले स्विस एम्बेसी से अप्लाई किया था नंबर टू इज अप्लाइंग थ्रू फ्रांस एम्बेसी नंबर थ्री इज द प्रॉब्लम फाउंड इन दी एफ एस सिस्टम एंड एम्बेसी के एंटायर सिस्टम में एंड नंबर फोर इज की मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है क्योंकि अब तो मैं यूरोप डेफिनेटली नहीं जा सकती सो फर्स्ट लेट मी गेट दिस थिंग स्ट्रेट शेंग वीजा दे आर एक्सपेंसिव दे आर टाइम कंज्यूमिंग आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जैसे आपको एक डिटेल्ड कवर लेटर लिखना होता है बैंक रिपोर्ट्स स्टैम्प बैंक रिपोर्ट्स एक्चुअली आपको दिखाने होते हैं आपको अपनी बुकिंग्स दिखानी पड़ती हैं होटल की फ्लाइट की फ्लाइट या तो आप अपनी रिटर्न टिकट्स दिखाओ या रिजर्वेशन दिखाओ हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना पड़ता है आइटनरी दिखानी पड़ती है आई जीएसटी अगर आप एम्प्लॉय हो तो अब आपको एनओसी या कंपनी लेटर दिखाना पड़ेगा या आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका बिजनेस रिकॉर्ड है बिजनेस का प्रूफ दिखाना पड़ेगा इंडिया में यू हैव टू शो सो मच that you are eligible to go to europe and despite all of it agarabka visa reject hojai even if you are a strong candidate इट्स रियली सैड आई वॉज वेरी वेरी एंथिंग अबाउट इट तो मैं पहले अपना स्विट्जरलैंड एम्बेसी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली exactly प्रोसेस क्या था और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था सो so, लगभग आपका पंद्रह हजार का खर्चा आ ही जाता है क्योंकि अगर मैंने फ्लाइट रिजर्व की है तो मैंने सर्विस फी दो हजार की दी थी आप इंश्योरेंस लोगे अलग से फिर आपको दस हजार का कम से कम लगेगा वीज़ा आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी निकालोगे प्रिंट निकालोगे आने जाने में खर्चा लगता है टोटल खर्चा फिफ्टीन थाउजेंड मिनिमम आ ही जाता है एक शेंगन वीजा अप्लाई करने के लिए और जब आप अप्लाई करते हो आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो जहाँ पे एक बहुत ही डिटेल फॉर्म भरना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उसके बाद आप अपने अपॉइंटमेंट डे पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हो और आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए बहुत सारे चेक पॉइंट से जाना पड़ता है बहुत सारी एंट्री पॉइंट होते हैं टोकन नंबर लेने के लिए और टोकन नंबर लेने के बाद भी मैंने एक घंटा वेट किया था सो यू हैव टू वेट फॉर लाइक एन आर सो दैट दे कॉल योर नंबर और वहां पर चार डेस्क में सिर्फ दो या तीन जन बैठे हुए थे स्विट्जरलैंड एम्बेसी में विच इज रियली रियली इट इस हार्टनिंग बिकॉज बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये इंटायर प्रोसेस और वहाँ जाके द गाई वॉज चेकिंग माई डॉक्यूमेंट्स ही वॉज जस्ट ब्राउजिंग थ्रू इट उसने अच्छे से देखा नहीं थे मेरे डॉक्यूमेंट्स बस उसने ये देखा कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लाई हूँ या नहीं बट उसकी वैलिडिटी चेक नहीं करी थी और जब पेमेंट की बारी आई ईदर यू पे वाया कैश या क्रेडिट डेबिट कार्ड बट उनकी मशीने नहीं चल रही थी इन ट्वेंटी फर्स्ट फर्स्ट

एक पर्सन बैठा हुआ था सिर्फ इंटायर uh, काउंटर में जो चार काउंटर्स बने थे स्विट्जरलैंड के ही हेल्प मी आउट ही आस्क मी टू डिपॉजिट कैश और कैश डिपॉजिट करने के बाद यू अगेन हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर फॉर बायोमेट्रिक जहां पे आप अपने फिंगरप्रिंट्स देते हो um, सो इट्स बेसिकली एन एंटायर डे का प्रोसेस पूरा दिन चला जाता है अगर आपको ये सब अवॉइड करना है ऑफकोर्स यू कैन टेक प्रीमियम लॉन्च का सर्विस बट मैंने वो लिया नहीं है मेरी आज तक किसी भी फ्रेंड ने नहीं लिया है सो आई डोंट नो हाउ गुड दैट इज सो दैट वॉज माई फुल डे एक्सपीरियंस विद स्विट्जरलैंड जो बहुत ही हौच पौच था पूरा दिन चला गया और मैं स्विट्जरलैंड एम्बेसी के साथ इसीलिए गई थी बिकॉज माई फ्रेंड ऑप्टेड डैम प्रीवियसली uh, एक दो हफ्ते पहले एंड शी हैड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड दैट इज वाई शी सजेस्टेड मी टू गो थ्रू डैम तो मैं वी एफ एस गई थी थर्सडे और मुझे लगा था एटलीस्ट पंद्रह दिन तो लगेंगे पासपोर्ट आने में क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी काफी टाइम लगा था उसका पासपोर्ट आने में वीकेंड था तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग वीकेंड में तो एटलीस्ट और मंडे को मुझे टेक्स्ट मैसेज आता है बिकॉज मैंने एस एम एस सर्विस ऑप्ट किया था कि माई पासपोर्ट इज कमिंग टू मी टूडे वेरी कॉन्फिडेंट like, कि मुझे uh, वीजा तो मिल ही जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक शेंगे स्टैम्प था मैं इटली गई हुई थी तो ऑलरेडी मेरे पासपोर्ट पर इटली का शेंग इन स्टैम्प लगा हुआ था सो आई थॉट आई विल डेफिनेटली गेट इट इट्स ईजी फॉर मी बट आई गॉट अ रिजेक्शन अ रिफ्यूजल विच वॉज वेरी वेरी सैड एंड उन्होंने रीजन दिया था दैट My purpose of visit is not clear, and the second reason that they gave is um, my documents not reliable. And in my refusal form, I a note below that you can counter this decision within 30 days, jiski cost approximately 16,000 INR, which is more than your actual visa cost. And I was like, who will pay 16,000 rupees for a decision which is already rejected and it might not?

और ये भी कहते हैं कि वो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं अगर उनको लगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिलायबल नहीं है या अगर उनको कोई डाउट आए तो ना उन्होंने मुझे कॉल किया ना कभी उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया दे जस्ट रिजेक्टेड इट एंड आई वाज लाइक वाओ फिफ्टीन थाउजेंड जस्ट गॉन जस्ट लाइक दैट एंड आई वाज वेरी बर्क आउट बिकॉज आई रियली वांटेड टू बैक पैक विद ब्रिंदा फॉर टू मंथ्स अक्रॉस यूरोप यू आर प्लानिंग टू गो टू आइसलैंड नॉर्वे स्विट्जरलैंड एंड मैनी एक्साइटिंग कंट्रीज मैनी मेनी एक्साइटिंग प्लान्स एंड आई सॉ अ लॉर्ड ऑफ वीडियोज़ मैं यात्री डॉक्टर के यूट्यूब चैनल पर गई मैंने बहुत सारे रिसर्च की आई स्पोक टू मैनी पीपल आई स्पोक टू अ गाय वॉज वर्किंग इन दिस वीजा सेंटर एमबसी में एंड ए ऑल सेट दैट यू कैन री अप्लाई थ्रू अनदर एम्बेसी तो एक एम्बसी का जो डिसीजन है वो इम्पैक्ट नहीं करता दूसरी एम्बेसीज के डिसीजन मेकिंग में लाइक वेन आई सॉ यात्री डॉक्टर का वीडियो आई थिंक हिस वीज़ा वॉज रिजेक्टेड बाई फ्रांस बट ही वेंट टू स्पेन विद इन दैट वीक इट सेल्फ और स्पेन ने उसका वीजा एक्सेप्ट कर दिया था तो आई वॉज लाइक ओके आई कैन गिव दिस अ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गो टू यूरोप दो तीन साल बाद तो फाइनली इंटरनेशनल ट्रेवल स्टार्ट हुआ है सो नाउ कमिंग टू माई फ्रांस एम्बेसी का एक्सपीरियंस नाउ कंपेरेटिवली फ्रांस का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बेटर था देवर एटलीस्ट फाइव टू सिक्स काउंटर्स जो सारे फुल थे हर जगह कोई ना कोई बैठा हुआ था एंड आई फाउंड देम रियली काइंड दे वर टॉकिंग वेरी नाइसली उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से गो थ्रू किए मेरी सारी बुकिंग्स देखी कि डे टू डेट मैच हो रही है या नहीं एंड आई इवन आस्ट देम कि मेरा लास्ट वीक ही स्विट्जरलैंड एम्बसी ने वीज़ा रिजेक्ट किया था तो इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं एंड दिस सेट दैट ऐसा नहीं होगा क्योंकि एमब सी टू एमब सी डिसीजन वेरी करता है सो इट्स कम्प्लीटली फाइन आप फ्रांस से अप्लाई कर रहे हो सो इट वट मैटर कि पहला डिसीजन क्या था सो आई वॉज रियली रियली हैप्पी विद द इंटायर एक्सपीरियंस एंड आई वॉज अगेन वेरी कॉन्फिडेंट करीब दस लोगों ने इस वीजा पे मेरी हेल्प करी थी ब्रिंदा रचना दे ऑल केम इनटू द पिक्चर वन ऑफ माय डैड्स फ्रेंड हु यूज्ड टू वर्क इन द वीजा सेंटर ही आल्सो केम वी ब्रेन अ लॉट हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन एक साथ किया कवर लेटर लिखा डिटेल एंड इस बार मैंने दो से तीन पेजेस का कवर लेटर लिखा था अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम का स्क्रीन शॉट लगाया ब्लॉगर मैंने अपना पास्ट वर्क भी दिखाया कि मेरे मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड डील्स आर इन इंडिया सो दैट्स लाइक अ प्रूफ दैट आई बी कमिंग बैक टू इंडिया फॉर श्योर उसके साथ साथ मैंने उनको अपनी पास जॉब प्रोफाइल भी दिखाई थी कि मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी एंड आई वॉज अगेन वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो शोडेम माई आई टी आर फाइलिंग जी एस जी आई शोड देम बेसिकली एवरी थिंग दैट आई कुड विद डिटेल

पर्पज ऑफ विजिट की क्लैरिटी नहीं थी तो फ्रांस उनके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता है अगर आप हमारे थ्रू डायरेक्टली अप्लाई करते या आप एक या दो महीने बाद अप्लाई करते तो आपको डेफिनेटली वीजा मिल जाता है क्योंकि हमें आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग लगी है बट हम स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते बट सिंस दोनों एम्बसीज में बात हो चुकी है मे बी यू कैन अगेन री अप्लाई थ्रू स्विट्जरलैंड एंड गिव इट अ शॉर्ट बट आई वज लाइक थर्ड टाइम रिजेक्शन इज इट इवन वर्थड बिकॉज आई वॉज नॉट टू श्योर क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आपका वीज़ा थर्ड टाइम रिजेक्ट होगा तो आप हमेशा ब्लैकलिस्ट हो जाओगे यूरोप नहीं आ सकते यूरोप आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा सो आई वॉजन टू श्योर ऐसा ये सच है या नहीं तो ये भी नहीं मुझे पता इफ़ इट इज़ ट्रू प्लीज लेट मी नो एंड इफ इट इज़ नॉट ट्रू इफ यू गाइज नो कि मैं क्या कर सकती थी ऑल्सो लेट मी नो कि इफ देर वॉज अ वे आउट बिकॉज जब मैंने स्विट्जरलैंड के थ्रू अप्लाई किया था द ओनली डिफरेंस वॉज मैंने जब आइटनरी दिखाई थी स्विट्जरलैंड को मैंने उनको दो महीने की अपनी स्विट्जरलैंड की आइटनरी दिखाई थी और यह कहा था कि आई माइट गो टू अदर कंट्रीज इफ टाइम अलाउज बट माई आइटनरी बुकिंग रिटर्न फ्लाइट एवरी थिंग वॉज थ्रू स्विट्जरलैंड बट जब मैंने फ्रांस के साइड से अप्लाई किया था मैंने उनको दिखाया था अपना पूरा स्प्लिट आई थॉट कि स्प्लिट माइट बी द प्रॉब्लम क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड वालों को बोल रही हूँ कि आई विल बी एक्सप्लोरिंग अदर कंट्रीज एंड ओनली शोइंग स्विट्जरलैंड की आइटनरी सो दैट इज आई चेंज माई आइटनरी एंड शोड ऑल द आइटनरीज ऑल द प्लेसेज दैट आई हेल्प बी विजिटिंग

आई एम डूम सो नाओ कमिंग टू द प्रॉब्लम्स जो मुझे लगी वी एफ एस के सिस्टम में जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो उनकी वेबसाइट पर जाकर इट ऑलवेज सेज दैट यू कैन कैंसिल इट या री शेड्यूल इट बट जब आपने अपॉइंटमेंट ले लिया एंड यू ट्राई टू री शेड्यूल इट इट नेवर हैपन्स एक तो आधे बटन उनके क्लिक नहीं होते हैं और uh, डेट्स नहीं दिखाते हैं वो लोग नेक्स्ट की आप कब ले सकते हो आई ट्राइड फॉर जर्मनी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जर्मनी के साथ अप्लाई करने का सोचा था और उस डेट पे मुझे कुछ काम आ गया था आई वॉज नॉट एबल टू गो एंड आई वॉज नॉट एबल टू रीशेड्यूल इट ऑल्सो एंड सेम केस इट हैपन्ड इन फ्रांस ऑल्सो क्योंकि मैं फ्रांस के टाइम पे भी रीशेड्यूल नहीं कर पा रही थी मैं तीन चार महीने तक आगे गई कि कोई रीशेड्यूलिंग का डेट दिख जाएगा तो वो तो मुझे नहीं दिखा बट uh, जब मैं न्यू अपॉइंटमेंट ले रही थी फ्रांस के टाइम पे तो मुझे नेक्स्ट डे ही अवेलेबिलिटी दिखा रहा था विच इज वेरी स्ट्रेंज नेक्स्ट डे से ही बहुत सारी डेट्स के आगे अवेलेबिलिटी थी बट रीशेड्यूलिंग के टाइम पे वो मुझे नहीं दिखा रहे थे तो कभी कभार क्या होता है कि आप जब वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेते हो आपको कभी कभार फीस पे करनी पड़ती है जैसे जर्मनी के लिए मैंने फीस ऑलरेडी पे करी थी थोड़ी सी आई थिंक टू थाउजेंड रुपीज़ आई पेड विच वॉज अगेन अ वेस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू रीशेड्यूल इट फ्रांस में मैंने कोई फीस पे um, नहीं करी थी सो इट वज ओके फॉर मी बट जर्मनी के टाइम पे आए अगेन लॉस्ट मनी सेकेंड प्रॉब्लम दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर पीपल इज जो एक्चुअली में होता भी है कि जब आप एक सर्विस फी या वीजा के लिए फीस देते हो उसमें ही कोरियर चार्जेस आर ऑलवेज इंक्लूडेड बट जब आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए उनके पास जाते हो दे एड ऑन द कोरियर अश्योरेंस सर्विस चार्ज जो वो आपको एक्सप्लेन नहीं करते कि क्या है दे जिस से इट्स अ कोरियर चार्ज एंड योर लाइक ओके आई माइट बी नीडिंग अ कुरियर सर्विस फॉर श्योर तो वो लोग बताते नहीं है दैट इट्स लाइक एन इंश्योरेंस फॉर योर कुरियर फॉर योर पासपोर्ट एंड कभी कभार वो सेवन सेवेंटी रुपीज़ फ्रांस वाले सेवन सेवेंटी रुपीज़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक फाइव हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड का खर्चा इट इट वेरीज एक्चुअली फ्रॉम एम बी सी टू एम बी सी सो इतना खर्चा निकल आता है फॉर अशोरेंस फी विच डज नॉट मेक सेंस इफ़ यू वॉन्ट टू टेक एन इंश्योरेंस फॉर योर पासपोर्ट इट्स वेल एंड गुड बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू टेक दे ऑल्सो डो नॉट रियली क्लैरिफाइड तो आपको ऐसा लगता है आप कोरियर के लिए पैसे दे रहे हो विच इज एक्चुअली फी फॉर अश्योरेंस एंड इंश्योरेंस सो दीज व प्रॉब्लम्स एट आई फाउंड जो काफी लोगों ने एक्सपीरियंस भी करी है बहुत सारी यूट्यूबर्स के वीडियो में मैंने ये देखा भी है

तो आपको पता चल जाएगा मे में, में कि मैं कहाँ जा रही हूँ बट आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इन सम वे इवन इफ इट वॉज अ रिजेक्शन प्रोसेस और अगर आपको कुछ पता है कि थर्ड टाइम रिजेक्शन से क्या क्या हो सकता है या मैं क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकती हूँ सो प्लीज कॉमेंट बिलो इट विल रियली रियली हेल्प मी अलॉड बिकॉज ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू गो टू यूरोप एज वेल सम डे बाकी लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब फॉर दलकोरिदम एंड एस सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन बाय टेक केयर